उच्च शिक्षा की मसाल को इतने वर्षों तक जला के रखा और आप वही योग्यता रखते हैं जो हमारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, व्याख्यातागण रखते हैं, और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आपकी जिंदगी में अनिश्चितता पूरी तरह से समाप्त की जाए। मैं जहां जहां गया, अतिथि विद्वान अलग अलग स्थानों पर मिले, और जब मिलते थे तो कुछ मेरी बहनें और बेटियां भावुक भी हो जाती थी। मैंने उनकी आंखों में आंसू भी देखे, और इसलिए कुछ फैसले आज हम कर रहे हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सार सार की बात करें। एक तो सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा, और वो 50,000 रुपया तक का होगा। अच्छा, इसमें तकनीकी वाले भी शामिल माने अपने आप को। और शासकीय सेवकों के समान आपको अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर आप जो चाहेंगे, आपके आसपास कोई महाविद्यालय होगा, वहां स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। अभी जब मैं आ रहा था तो फॉलन आउट, अब ये फॉलन आउट जो है उनको भी इन किया जाएगा, उनको भी मौका देने का काम किया जाएगा, उनको फिर से आमंत्रण देंगे रिक्त पदों पर।